अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में मौजूद एक खूबसूरत वादी के बारे में बताएंगे जिसका नाम नीलम वादी है। इससे पहले कि हम इस खूबसूरत वादी के बारे में बताएं, आपसे दरख्वास्त करते चलें कि यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल दिलकश टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। वादी नीलम पाकिस्तान की रियासत आज़ाद कश्मीर में एक जन्नत नज़ीर वादी है। यह मुजफ्फराबाद से शमाल मशरिक में दरियाए नीलम के दोनों तरफ वाकिया है। ये वादी 144 किलोमीटर तवील है, जो बुलंदोबाला पहाड़ों, घने जंगलात और खूबसूरत बागात पर मुश्तमिल है। ताहम अच्छी सड़क ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत कम सैयाह आते हैं। यहाँ पर गर्मियों में मौसम खुशगवार रहता है और सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी होती है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शमाल की जानिब चहला बांडी पुल से शुरू होकर ताऊबट तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली हुई हसीनो जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहां दरिया साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं। जा बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं, जिनके तेज धार दूधिया पानी सड़क के ऊपर से बहे चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से सर पटकते हुए दरियाए नीलम के मटियाले पानियों में शामिल हो जाते हैं। अगर आप ठंडे मीठे चश्मों, झाग उड़ाते पानियों और बुलंदी से गिरती आबशारों को देखना चाहते हैं तो इस वादी से बेहतर मकाम शायद ही कोई और हो। इस वादी का सदर मकाम 8 मकाम है। वादी 2 तहसीलों 8 मकाम और शारदा पर मुश्तमिल है। मुजफ्फराबाद से शारदा तक सड़क ठीक हालत में मौजूद है, मगर इससे आगे टूटा फूटा, बल खाता, कच्चा और कहीं से पथरीला जीप रोड है, जो आखिरी गांव ताऊबट तक जाता है। 8 मकाम के बाद कैरन आता है, फिर दवारिया का कस्बा आता है। यहीं से रत्ती गली झील को रास्ता भी निकलता है। रत्ती गली जहां कुदरत ने सब्ज घास का मखमली कालीन बिछाकर इस पर और रंग बिरंगे फूलों से झील के नीले पानियों के अतराफ मंजर सजा दिए हैं, जिनको एक नज़र देखने के वास्ते स्याह और कोहे नूर्द हमालिया के पहाड़ों से सर टकराते नाले अबूर करते और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पैदल चलते जाते हैं। रती गली एक झील जिसको देखने की चाह में इंसान तो सब कुछ लुटा दे तो भी खसारे का एहसास ना हो। थोड़ा आगे एक सड़क पहाड़ के ऊपर चढ़ती जाती है, जो अपर नीलम गांव से जा निकलती है। शायद इसी गांव के नाम की वजह से ही सारी वादी का नाम नीलम रखा गया। शारदा में मकानों और दुकानों की छतों पर उगी हुई घास को जानवर खाते दिखाई देंगे, जिसको देखकर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को रोक नहीं पाएंगे। पहाड़ी ढलवानों के साथ बसे मकानों की छतें पहाड़ से मिलती हैं, वहीं से जानवर आसानी से छतों पर चढ़ सकते हैं। छतों पर पड़ी मिट्टी में घास और जड़ी बूटियां उग आती हैं, जिनकी खुशबू के पीछे जानवर भी आ जाते हैं। शारदा तक
قدرے شہری ماحول وادی پر چھایا رہتا ہے اور اشیائے ضرورت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ شاردا کے آگے کے مقامات دہی علاقے ہیں، سڑک بھی شاردا تک ہی ٹھیک ہے، اس سے آگے بہت خستہ حالت میں ہے۔ دریائے نیلم اس مقام پر قدرے چوڑا بہتا رہتا ہے۔ تاؤبٹ ایک کٹا ہوا الگ تھلگ پہاڑی گاؤں ہے، لکڑی کے بنے ہوئے خاص طرز کے مکان ہوتے ہیں، کھیتوں کے اطراف بھی لکڑی کی بنی ہوئی باڑیں دکھائی دیں گی جو شاید زمین کی حد بندی کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اسی گاؤں میں رات بھی بسر کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے دن پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کشمیر کی آخری انسانی آبادی گگئی گاؤں تک پیدل مسافت کا راستہ ہے۔ اس راستے میں جنگل، کھیت، جھاگ اڑاتے نالے دکھائی دیں گے۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک کھلا سا مقام بھی آتا ہے جہاں درائے برزل کی طرز سے آتا گجر نالا گگئی نالے سے مل جاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر اپنے پانیوں کو تاؤبٹ کے مقام پر دریائے نیلم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں بھی جائیں مگر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہاں پر گندگی ہرگز نہ پھیلائیں اور وہاں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ معزز ناظرین، ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے دیجئے، فیس بک، واٹس ایپ اور اپنے دیگر سیاحت کے شوقین دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔